सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटिंग स्कूलिंग सिस्टम बेटा आज डे एट है आपके नीट डायरेक्ट का और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोर एनिमल किंगडम का पार्ट थ्री अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है इसके अलावा हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस कर लिया है जो कल का लेक्चर था उसमें बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वि डिस्कस अबाउट पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलम्स एस्केलमिंथीस एनालिडा, अर्थ्रोपोडा मोलस्का एक एंड हैमिकॉडेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं अब हमने डिस्कस करना है कॉडेटा इन डिटेल ठीक है बच्चे कॉडेटा मैंने क्या बताया था आपको कॉडेटा कौन होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होता है ठीक है बच्चे इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा चाहे किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो इमराइनिक स्टेज में हो एडल्ट स्टेज में हो किसी भी स्टेज में ठीक है फिर हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया था द कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बारे में मैंने बता दिया था एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है दिस इज नोटोकॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा हॉलो होगा खोखला होगा अंदर से और सिंगल होगा फेरिंगस परफोरेटेड बाई गिल्सलेट्स ये फेरिंग्स के अंदर यहां पे देखिए क्या है गिल्सलेट्स हैं हार्ट इज वेंट्रल हार्ट जो होगा वो वेंट्रल साइड में होगा पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है सो दीज आर समेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा अब अगर हम बात करें तो फाइलम कॉडेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला यूरोडेटा और ट्यूनिकेटा सिफेलोकॉडेटा एंड वर्टिब्रेटा ठीक है यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉडेटा को हम द सब फाइला यूरोडेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि प्रेमेटिव टाइप ऑफ कॉडेट्स ठीक है बच्चे एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन इन यूरोडेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल दैट्स वाई यूरो का मतलब होता है टेल ठीक है तो यूरोडेटा में किस में प्रेजेंट होगा लारवल टेल में प्रेजेंट होगा वाइल इन सिफेलोकॉडेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल सीफेलिक रीजन का मतलब होता हैड रीजन तो यहाँ पर क्या होगा हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होगा एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ पूरे लाइफ टाइम तक इनके रहता है प्रेजेंट होता है ठीक है एग्जाम्पल है यूरोकॉडेटा का एसिडिया सेल्पा डोलियम ठीक है और सिफेलोकॉडेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस और लैंसलेट ठीक है बच्चे सो दीज आर दिस इज अबाउट प्रोटोकॉडेट्स फिर बेटा जो थर्ड सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज तो वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक नैथा के अंदर जॉ एबेंट होते हैं विच लैक्स जॉ और इसके अंदर एक क्लास आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ तो एनिमल बियरिंग सर्कुलर माउथ आर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा और दूसरे होते हैं बच्चे एक ग्रेथा के दूसरा अपोजिट क्या होगा गैथोस्टोमेटा ग्नेथोस्टोम्स यानी कि विच बेयर्स जॉ तो इसके अंदर सुपर क्लास क्या आ जाएगा एक आ जाएगा पाइसिस यानी कि फिशेस जो कि जिनके पास फिंस होते हैं विच बेयर फिंस एंड टेट्रापोडा विच बेयर्स लिम्स जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होगा तो फिशेस के अंदर दो तरह के क्लास आ जाते हैं कॉन्ड्रिक थीस या फिर ऑस्टिक थीस कॉन्ड्रिक थीस होते हैं जिनका स्केल्टर सिस्टम कार्टिलेज का बना होगा कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस फिशेस को हम कॉन्डिक कहते हैं एंड बोनी फिशेस को हम ऑस्टिक थीस कहते हैं ऑस्टिक का मतलब बोनी एंड कॉन्ड्रा का मतलब होता है कार्टिलेज ठीक है बच्चे फिर उसके बाद टेट्रापोडा में कौन कौन से क्लास आ गए रेप्टाइल रेप्टेप्टिलिया एव्स जिनको कि हम बर्ड्स भी कहते हैं एंड मैम्स ठीक है बच्चे अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं तो अब ध्यान दो तो यहां पे प्रोटोकॉडेटा के अंदर यूरोकॉडेटा है सिफेलोकॉडेटा है यूरोकॉडेटा में नोटोकॉड प्रेजेंट ऑनली लार्वल टेल बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन है ना ट्यूनिसिन प्रेजेंट होता है एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं हर्माफ्रोडाइट हैं यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल है एसीडिया सेल्पा एंड डोली सिफेलोकॉडेटा का मतलब सिफेलिक का मतलब हेड यानी कि नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी फिश लाइक बॉडी होती है एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे सेक्सेस जो होंगे सेपरेट होगा तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट है यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग है एग्जाम्पल ब्रैंक्योस्टोमा जिनको कॉमनली हम एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट बोलते हैं ठीक है बच्चा फिर हमने बात की वर्टिब्रेटा की और वर्टिब्रेटा को हम क्रेनिएटा भी कहते हैं क्रेनियम जिनके पास स्कल प्रेजेंट हो है ना यहाँ पर वर्टिप्रल कॉलम प्रेजेंट होता है सो so, वर्टिव डेटा के अंदर क्या है पॉजिस नोटोकॉट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉइनिक पीरियड And notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Important line hai bachche ye very important. P by Q. ठीक है बच्चा. Ventral muscular heart, kidney for excretion and osmoregulation, paired appendages, fins or limbs present honge theek hai तो अगर हम class cyclostomes सबसे पहले बात करें. Class cyclostomes कौन से होते हैं? Cyclo का मतलब मैंने बताया कि circular एनिमल बियरिंग सर्कुलर माउथ ठीक है ऑल आर एक्टो पैरासाइट ऑन समिशेज फिशेज के ऊपर बॉडी पे रहते हैं एक्टो का मतलब ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं है ना जैसे कि हाउस ये हमारे हेड लाउस होता है है ना इलांगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिंस सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्सलिट्स फॉर एस्पायरेशन एस्पाइरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एग एंड सर्कुलर माउथ इज प्रेजेंट दैट्स वाई द नेम कम्स साइक्लो सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है एग रिलीज करना एग रिलीज करना ठीक है बच्चे फ्रेश वाटर में एग रिलीज करते हैं आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई जब वो एग रिलीज कर देते हैं वो मर जाते हैं देअ लार्वा आफ्टर मेटामोफोसिस रिटर्न टू ओशियंस मेटामोफोसिस का मतलब क्या होता है लार्वा से डेवलप होना एडल्ट फॉर्म में एग्जाम्पल क्या है पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे एंड मिग्जीन दैट इज हैक फिश तो इसके अंदर दो फॉर्म आ जाते हैं पेट्रोमाइजेंटी फॉर्म्स एंड मिगजीनी फॉर्म्स ठीक है जो क्रेनियम होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा एंड वर्टिपल कॉलम्स आर प्रेजेंट दैट्स वाई दे आर वर्टिब्रेट्स ठीक है बच्चा नेक्स्ट है सुपर क्लास स्पाइसेज यानी कि फिशेस फिशेस दो तरीके के होते हैं एक जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा और एक जिनका बोनी फिशेस होंगे जिनका बोन का बना होगा तो ऑस्टिक थीज एंड कॉन्ड्रिक थीज क्या क्या डिफरेंस है देखिए कॉन्ड्रिक थीज मरीन है स्ट्रीम बॉडी है प्रिडेशियस है प्रिडेट करते हैं छोटी छोटी मछलियों के ऊपर बोनी फिशेज मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं स्ट्रीम बॉडी होती है कैसी बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड लाइक दिस ठीक है बच्चे कार्टिलेज एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ है इसमें किसका बना हुआ है बोन का बना हुआ है नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉड प्रेजेंट होता है यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा माउथ जो है वेंट्रल है वेंट्रल का मतलब क्या है मान लीजिए ये है आपने शार्क देखा है तो शार का माउथ कहाँ पे होता है नीचे की तरफ से ऐसे होता है है ना लाइक दिस दिस इज वेंट्रल माउथ और जो ये फिशेज होती हैं बोनी फिशेज उनका माउथ कहाँ पे होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है टर्मिनल प्रेजेंट होता है दैट इज टर्मिनल माउथ गिल स्लिट्स विदाउट अपरकुलम एक कोई कवरिंग नहीं है फिशेज़ में जो बोनी फिशेज होती हैं उनमें यहाँ पे इस तरीके से गिल्स होते हैं और उसके ऊपर एक बोन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अपर कुलम सो फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाई अपर कुलम ऑन ईच साइड ठीक है जो शार्क्स वगैरह जो होते हैं मरीन फिशेज में ये एबसेंट होता है बच्चे स्किन के ऊपर क्या होता है प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं प्लेक्वाइड बहुत माइन्यूट स्केल्स होते हैं है ना टिथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड यहाँ पे स्केल्स कैसे हैं साइक्लॉइड एंड टीनोइड इम्पॉर्टेंट बच्चा इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू नो एयर ब्लैडर इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होते सो दे है तैरने so के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है अगेन इंपॉर्टेंट सो दीज आर प्वाई किलोथाम्स कोल्ड ब्लडेड ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं हार्ट क्या है टू चैम्बर्ड है वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल इनके अंदर भी हार्ट टू चैम्बर्ड है वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल सेक्सेज आर सेपरेट इन मेल्स पेल्विक फेंस बी क्लैस्पर्स क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मैनी ऑफ देम आर वी वी पैरस ठीक है यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं वो राइट यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इंटरनल का मतलब फ्यूजन जो होगा गैमिट का वो बॉडी के अंदर होगा यहां पे क्या होता है बॉडी के बाहर होता है दे आर मोस्टली ओवी पेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट ठीक है बच्चे सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सुपर क्लास स्पाइसिस जो नेक्स्ट है बेटा वर्टिब्रेटा के अंदर उसमें सुपर क्लास टेट्रापोडा आ जाता है ठीक है इसमें क्लास एम्फीबिया रेप्टीरिया एव्स एंड मैमल्स एम्फीबिया क्या है दे लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग दैट्स वाई दे आर एमफीबियंस डू मोड ऑफ लाइफ रेप्टाइल जो होते हैं इनका ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है ड्राई स्किन होती है एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं है ना आपने देखा है ना लिजर्ट्स वगैरह के ऊपर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ फैदर्स एंड बीक प्रेजेंट होती है फोर लिम्स आर मोडिफाइड इन टू विंग्स बर्ड्स के अंदर मैमल्स में प्रेजेंस ऑफ मेमोरी क्लैंड होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग क्लैंड होता कॉल्ड एज मेमेलिया ठीक है एम्फीबिया का जो बॉडी है बॉडी एज हेड एंड ट्रंक सम हैव टेल मॉइस्ट स्किन होता है विदाउट स्केल्स मोस्ट है ठीक स्नेक्स के अंदर लैपटाइल्स के अंदर स्नेक्स एंड लिजर्ट शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट अपना स्किन शेड करते हैं एक्डाइसिस कहा जाता है इसको लिम्स टू पेयर्स इफ प्रेजेंट क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है ना रेंग के चलते हैं ये क्रॉलर्स होते हैं ये बेसिकली बर्ड्स के अंदर क्या होता है ड्राई स्किन होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ टेल हैंड लिम्स हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग एंड क्लासिंग ट्री ब्रांचेस हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं है ना दिज ऑल आर मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट मॉडिफिकेशन मैमिलिया में स्किन जो होता है उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है टू पेयर ऑफ लिंग्स फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइमिंग बरोइंग स्विमिंग और फ्लाइंग इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है टिम्पेनम इज प्रेजेंट एज अ ईयर यहाँ पर टिमपेनम प्रेजेंट होता है इसमें भी बर्ड्स में भी टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर और जो मैमल्स हैं उसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है दैट इज पिना हार्ट जो है इसमें थ्री चैम्बर्ड है टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल इन एम्फीबिया इन रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर्ड हार्ट बट अ सेप्टम पार्शली सेपरेट वेंट्रिकल तो थ्री एंड अ हाफ हो जाता है और हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड बर्ड्स वी ऑल नो दैट बर्ड्स एंड मैमल्स दे ऑल आर फोर चैम्बर्स टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स ये पाइकिलोथम्स हैं कोल्ड ब्लडेड हैंप्टीलिया आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बर्ड्स एंड मैमल्स आर होमियोथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल जो होगा एंड एन एनयी एंड्रैक्ट ओपन इन टू अ क्लोएका विच ओपन टू द एक्सटीरियर क्लोएका में ओपन होता है ना रेप्टाइल्स के अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है बर्ड्स में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजर्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पी वाई के क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रॉप एंड गिजर्ट्स किस में प्रेजेंट होता है ठीक है फिर बात करेंगे मैमल्स की तो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है मैमल्स के अंदर डेंटिशन होता है हेटीडोडोंट अलग अलग तरीके के टिप्स होते हैं जैसे कि मोलर है इंसीजर है प्री मोलर है केनाइन है थीकोड है है ना और डायफायोड फिर उसके बाद जो एम्फीबिया है रेस्पिरेशन इज बाई गिल्स इन लार्वा जो कि टेटपोल्स हैं और लंग्स एंड स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं रेप्टाइल्स करते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन बर्ड्स करते हैं डबल रेस्पायरेशन एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स और जो मैमल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू एम्फीबियंस में सेक्सेज आर सेपरेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ओवी पेरस हैं एग रिलीज करते हैं और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एटपोल्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ओवी पेरस हैं एग रिलीज करेंगे डेवलपमेंट इज डायरेक्ट कोई लार्वल फॉर्म नहीं है वर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ओवी पेरस हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट नो लार्वल फॉर्म इज देयर मैमल्स में सेक्सेज आर सेपरेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन पैरस यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं एक्सेप्ट एकाइडना एंड प्लेटिपस ठीक है एगलिंग मैमल्स होते हैं ठीक इनके अंदर डेवलपमेंट क्या होगा डायरेक्ट होगा ठीक है बच्चे एग्जाम्पल्स दिया गया है एम्फीविया का बूफो जिसको कि हम टोट कहते हैं राणा फ्रॉग हाइला जो है ट्री फ्रॉग है सेलेमेंडर सेलेमेंडर एक्थिस लिम्बलेस एम्फीविया इंपॉर्टेंट पॉइंट लिम्बल एम्फीबिया कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल आ गया चिलोनी टर्टल टेस्ट्यूडोटॉट चैम्बलियन प्री लेजर्ट कैलोटिस गार्डस कैलोटिस वर्सी कलर नाम होता है इसका साइंटिफिक गार्डन लेजर्ट जो आप देखते हैं गिरगिट जिसे कहते हैं क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल एलिगेटर होता है हेमी डेक्टाइल्स जो घर में रहने वाली छिपकली होती है वॉल लेजर्ट्स फिर पॉइजनस स्नेक है नाजा नाजा कोबरा बेंगोरस है करैद के कहते हैं वाइपरा कहते हैं वाइपर को है ना एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में आ जाता है पाइथन ठीक है बच्चे फिर कुछ एग्जाम्पल बर्ड्स के दिए गए हैं कॉरवस स्पलेंडस स्पलेंडनस जो कि क्रो का एग्जाम्पल है कोलम्बा लीबिया पिजन को कहते हैं सिटाकुला पैरटो कहते हैं स्ट्रूथियो कहते हैं ऑस्ट्रिच को पैवो के स्टेटस कहते हैं पिकॉक को टेनोडाइट्स कहते हैं पेंगुइन को एंड न्योफ्रॉन कहते हैं वल्चर को ठीक है बच्चे दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जाम्पल्स ठीक है तो इसको याद रखेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दिस 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 वन वन एंड प्लेटिपस मैक्रोपस है किंगारू टेरोपस है फ्लाइंग फॉक्स कैमलस कैमल जो है macacow, जो है मंकी रैटस रैटस रैट कैनिस डॉग को कहते हैं फैलिस कैट को कहते हैं एलिफस एलिफेंट एक्वस एक्वस हॉर्स को कहते हैं डेल्फाइनस कॉमन डॉल्फिन को बैलिनो ब्लू वेल को पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स सो दिस इज ऑल अबाउट दि सुपर क्लास टेट्रोपोडा ठीक है बच्चे आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब हम थोड़ा सा इसके एनसीआर के क्वेश्चन देख लेते हैं एन सी आर टी का क्वेश्चन देखिए तो हमने ये देखा हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसिस तो हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रिक थीज में एयर ब्लैडर एबसेंट होता है इसलिए उसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है नहीं तो वो डूब जाएंगे और ऑस्टिक थीज के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा तो बायोन्सी के लिए प्रेजेंट होता है तो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है ये पढ़ा हमने वॉट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स तो उनके लिम्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स के अंदर है ना जो बोन होती है निमेटिक हो जाता है हॉलो हो जाता है राइट तो इस तरह के कुछ बीक्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो जाती है एक ओवरी फंक्शनल रहता है है ना ये ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं कुड यू नंबर कुड द नंबर ऑफ एक्स और यंग वन प्रोड्यूस बाय ओ वी पेरस एंड वी पेरस मदर बी इक्वल वाई क्या बोला है कुड द नंबर ऑफ एग और यंग वंस प्रोड्यूस बाय ओ वी पैरस एंड वी वी पैरस मदर वी इक्वल नहीं होंगे इक्वल है ना तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं ठीक है बाकी क्वेश्चन हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था है ना आर्थ्रोपोडा बता दिया था मैंने आप लोगों को पैरासिटिक हेलमेंट बता दिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया था ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है बच्चे दिस इज ऑल अबाउट एनसीआर टी क्वेश्चन अब थोड़ा पी वाई क्यों देख लेते so, देखिए बेटा नीट ट्वेंटी टू में क्वेश्चन आया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड अभी मैंने आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट मार्क कराया है बर्ड्स में होता है बच्चे ये बर्ड्स के केस में होता है पेवो सिटाकुलरवस ऑल दीज थ्री आर बर्ड्स ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें देखो ये ठीक है ये ठीक है लेकिन कैमलियन क्या है रेप्टाइल है बूफो बेनरा एंड बंगरुस ये सब जो है एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं कैटला कोलम्बा यहां पर जो है आपका क्रोकोडाइलस कैटला कैटला ये जो है सिर्फ कोलंबिया जो है कोलम्बा लीबिया जो है आपका पिजन को कहते हैं है, है ना तो यहां पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फिर देखिए क्वेश्चन विच वन ऑफ द फोइंग ऑर्गेनिज्म वी आर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स तो किस में प्रेजेंट होता है न्यूमेटिक बोन्स किसका मॉडिफिकेशन है बर्ड्स का तो यहाँ पर हम बर्ड्स का एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे आपका हैमी डेक्टाइलस इज लिजर्ड रेप्टाइल है इसके अंदर ये आंसर नहीं आएगा ऑर्निथोरिंकस इज स्प्लेटिपस ये भी इसका आंसर नहीं है ठीक है बच्चा फिर उसके बाद आप देखो नियोफ्रॉन इज द आंसर इट इज़ अ बर्ड ठीक है बच्चे तो आंसर ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नीट ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है बच्चे ये ठीक है और क्वेश्चन देखें जरा देखिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया है मैज द फॉलोइंग तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसमें प्रेजेंट होता है देखो गिलस्लिट्स की बात आ रही है तो गिल स्लिट्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे अभी हमने बताया तो बताओ क्या होगा इसका आंसर साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है ठीक है सर्कुलर माउथ इनका होता है हेटीरोसर्कल कॉल्डर फिल किसके अंदर होता है मरीन फिशेस के अंदर होता है कॉन्ड्रिक थीज के अंदर होता है है ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका हैट्रोसर्कल किसके अंदर आ जाएगा बताइए के अंदर आ जाएगा ठीक है बच्चा फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एयर ब्लैडर के बारे में बात की जा रही है एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट है एयर ब्लैडर आपका प्रेजेंट होगा ऑस्टिक थीज के अंदर प्रोवाइड करता है एंड ट्राइगोन जो है उसके अंदर क्या होता है पॉइजन स्टिंग होता है ठीक है तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर ठीक है बेटा फिर और क्वेश्चन देखिए जरा इन टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हैं और क्या क्वेश्चन है बच्चे यहां पर ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और क्वेश्चन देखिए देखो नीट एटीन में क्वेश्चन आया है आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड सिस्टम अभी हमने पढ़ा बर्ड्स के अंदर होता है होमियोथन है तो होम्योथर्म कौन से होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं है ना तो ये बर्ड है ये भी होगा चिलोनिया इज दिटेक इज अ बर्ड अ बर्ड सिर्फ चिलोनी जो है ये रेप्टाइल है तो हमें बोला गया है कि होम्योथर्म्स कौन से नहीं है तो ऑप्शन टू इज दी राइट आंसर ठीक है बच्चा फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन देखो नीट सिक्सटीन का क्वेश्चन है ये टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स ठीक है तो कॉडेटा पॉजस अ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जॉ जरूरी नहीं है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में कोई जॉ नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल ये भी गलत है क्योंकि थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट होता है कभी कभी और क्रोकोडाइल्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉन्ड्रिक थी कार्टिलिजन एंडोस्कैल्टन यस दिस वन इज ऑलवेज ट्रू यह हमेशा सही रहेगा क्योंकि कॉन्ड्रिक का मतलब ही होता है कार्टिलेज ठीक है बच्चे तो इसमें ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर फिर देखिए एक और क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स बर्ड एंड मैमल्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता है तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखिए बच्चे वीवी पैरिटी बर्ड्स एग देती है है ना यंग वंस को बर्थ नहीं करती है तो ये जो होगा आपका दिस इज नॉट अ कैरेक्टर विच इज़ शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स बाकी जो वॉम ब्लडेड नेचर जो होगा बिल्कुल होगा दोनों जो है होम्योथॉम्स हैं ऑसीफाइड स्कैंडोस्कैल्टन भी है बोन का बना होता है और ब्रीदिंग यू, यूजिंग लंग्स ये भी ठीक है क्या नहीं शेयर कर रहे हैं वी पैरिटी शेयर नहीं कर रहे हैं फिर यहाँ पे देखिए नीट सिक्सटीन का क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर वी वी पैरस क्या सभी मैमल्स वी वी पैरस हैं नहीं जो मोनोट्रीम्स होते हैं वो एग ले करते हैं बच्चा ठीक है तो ये गलत है हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसके अंदर से है ना ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजिस जॉज एंड पेयर्ड फिंस यस दे डू नॉट जॉज एगनेथा है बिकॉज दे आर से ठीक है बच्चे तो ये क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन हो गया होगा है ना बच्चे और कोई क्वेश्चन है इसमें देखिए जरा हेमिकॉडिट का ये क्वेश्चन हेमिकॉडिट तो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन देख लीजिए सेवनटीन का एक क्वेश्चन विच अमाउंट ऑफ दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट क्वेटिक मैमल्स मैमल्स की बात की जा रही है है ना तो ट्राइगोन जो है वो फिश है है ना यहाँ पर वेल डॉल्फिन सील्स क्या ये सही आंसर है येस yes. ये तीनों जो हैं वेल डॉल्फिन एंड सील्स आर दे आर मैमल्स ठीक है ट्राइगोन नहीं है फिशेज होते हैं है ना यहाँ पर शार्क जो है वो फ़िशेज हैं यहाँ पर ट्राइगोन जो है फिशेज हैं तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगा तो आई होप बेटा आप लोगों को सभी बच्चों को ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा एनिमल किंगडम एक बार इसको पढ़ेंगे किसी भी तरीके का डाउट आएगा तो वो पूछेंगे मुझसे ठीक है बच्चे क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा ऑल दी बेस्ट एवरी वन गॉड ब्लस टेक केयर थैंक यू